हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी प्लस। अभी तक हम लोगों ने जहां तक पढ़ा भाई, हम लोग पढ़े हैं गियर पढ़े हैं, अब बात करेंगे गियर ट्रेन की। ठीक है, समझिएगा इस बात को थोड़ा सा। मान लो कि आपके पास एक शाफ्ट है, गियर ट्रेन की मुझे जरूरत क्यों पड़ी? सिंपल सा, एक गियर था, मेसिंग गियर था, कोई दिक्कत नहीं था, आराम से ओमेगा वन से मैं किसी एक गियर को रोटेट कर रहा हूं, ओमेगा टू से दूसरा गियर रोटेट हो रहा है, लेकिन मुझे गियर ट्रेन की जरूरत क्यों पड़ी, नीड क्यों पड़ी, इस पे अपन थोड़ा सा पहले चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि हम लोग पढ़ने वाले हैं गियर ट्रेन। ठीक है, नीड क्यों पड़ी समझिएगा। मान लो कि पास ये शाफ्ट वन है और समझिएगा, ये शाफ्ट टू डिस्टेंस पे है, कुछ शाफ्ट टू है। अब मुझे शाफ्ट वन को रोटेट करके मुझे शाफ्ट टू पे आउटपुट चाहिए, कुछ रोटेशन चाहिए, मैं ऐसा चाहता हूं, और मैं ये ऐसा इसलिए चाहता हूं समझिएगा, और मैं ये रोटेशन गियर के थ्रू चाहता हूं। ठीक है, गियर के थ्रू चाहता हूं, तो मैंने काम किया कि बड़ा सा गियर बना दिया बेटा यहां पर, साथ ही साथ शाफ्ट टू में बात करूं इसमें भी बड़ा सा गियर बन गया। समझिएगा बेटा, इतना बड़ा गियर बनाओगे ना तो आपके पास जो इनर्शिया होता है ना वो बढ़ जाएगा, दिक्कत हो जाएगी। इनर्शिया बढ़ा तो बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाते हैं। ठीक है, अपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में यदि इनर्शिया बढ़ा तो बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाते हैं। तो भाई समझिएगा, अब इतने डिस्टेंस, समझिएगा यहां से यहां डिस्टेंस है, ये कुछ ज्यादा ही डिस्टेंस है। अब इस डिस्टेंस को मैं चाहता हूं कि भाई इस डिस्टेंस में मुझे चाहिए भी ओमेगा टू वहां पर, शाफ्ट टू पर, और साथ ही साथ मैं कुछ ऐसा अरेंजमेंट करूं कि इसका इनर्शिया कम हो जाए, तब अपन लोग यूज करते हैं क्या, गियर ट्रेन। समझिएगा, मैंने काम क्या किया, समझिएगा बात को, इस शाफ्ट में मैंने एक गियर बना दिया। ठीक है, मैंने एक गियर बना दिया, इसके साथ एक और गियर मैंने बना दिया, साथ ही साथ एक और गियर बना दिया, और यहां पर मैंने इसका फाइनल गियर बना दिया जहां पर मुझे आउटपुट चाहिए था। सही बात है, ये ओमेगा वन से रोटेट कर रहा है, मैं बात करूं इसकी तो ओमेगा टू से रोटेट कर रहा है, ये ओमेगा थ्री से और ये ओमेगा फोर से। डिजायर आउटपुट जैसा चाहिए, फिर मैं ऐसा अरेंजमेंट कर लूंगा और मैं डिजायर आउटपुट प्राप्त कर लूंगा ओमेगा फोर। सिंपल सी बात है, मतलब यदि मेरा डिस्टेंस ज्यादा हुआ, डिस्टेंस की मैं बात करूं, यदि ये ज्यादा है तो मैं गियर ट्रेन यूज करके मैं डिजायर आउटपुट प्राप्त कर सकता हूं। सही बात है। सेकेंड बात करते हैं, मुझे चाहिए हायर वेलोसिटी रेशियो। मान लो कि मुझे चाहिए हायर वेलोसिटी रेशियो, ठीक है, हायर वेलोसिटी रेशियो। मान लो कि बात मुझे हायर, मान लो वेलोसिटी रेशियो मुझे चाहिए कितना भाई, आपके पास चाहिए 100। ठीक है, 100 चाहिए, समझते हैं इस बात को। मतलब ओमेगा वन अपॉन ओमेगा टू की मैं बात करूं वो कितना होना चाहिए, 100 चाहिए। सही बात है, सिंपल सा मैं बात करता हूं। मान लो कि बात दो गियर है आपके पास, ये ओमेगा वन से रोटेट कर रहा है, ये ओमेगा टू से रोटेट कर रहा है। इसकी रेडियस की मैं बात करूं, ये आर वन है, कैपिटल आर वन, इसकी रेडियस की मैं बात करूं तो ये आर टू है। सही बात है, ये मेसिंग गियर है। अब मैं ओमेगा वन अपॉन ओमेगा टू की बात कर रहा हूं तो इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, टी टू अपॉन टी वन। सही बात है, टी टू अपॉन टी वन, गियर में इसके बारे में हम लोगों ने अच्छे से एनालिसिस किया था, टी टू अपॉन टी वन। बात करता हूं टी को मैं क्या लिख सकता हूं, समझिएगा, मॉड्यूल इक्वल टू क्या होता है, कैपिटल डी अपॉन कैपिटल टी, यहां से टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी अपॉन एम या फिर टू आर अपॉन एम। सही बात है, यही होगा। बात करते हैं आगे, टी टू को क्या लिख सकता हूं, टू आर टू अपॉन एम, टी वन को टू आर वन अपॉन एम, ऊपर चले जाएगा ये जाएगा, निपट जाएगा। ठीक है, मतलब ओमेगा वन अपॉन ओमेगा टू की मैं बात कर रहा हूं इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर टू अपॉन आर वन। और मुझे अभी मुझे कितने की जरूरत पड़ रही है, वेलोसिटी रेशियो 100 की जरूरत पड़ रही है, मतलब मैं इसके इक्वल टू 100 बोल दूंगा। तो आर टू इक्वल टू क्या हो जाएगा, समझिएगा, 100 इंटू आर वन। बेटा समझ रहे हो, ये बात समझ रहे हो,
जो सेकंड गियर का जो रेडियस है ना बेटा वो 100 times है फर्स्ट वन से। मतलब बात कुछ ऐसा हुआ ना, ये छुटकू सा गियर और ये बड़कू सा गियर। और प्रैक्टिकली खुद सोचना, मुझे ये वाला वेलोसिटी रेशियो चाहिए। प्रैक्टिकली खुद सोचना, मान लो कि भाई ये ड्राइवर है, ये ड्रिवन है, ये छुटकू सा गियर, समझ रहे हो, बड़कू सा गियर को घुमाना है, बड़कू से गियर को घुमाना है, दिक्कत आ जाएगा बेटा। यहां पर भी अपन काम करते हैं, कहां क्या यूज करते हैं, गियर ट्रेन यूज करते हैं, ताकि अपन अच्छे से हायर वेलोसिटी रेशियो प्राप्त कर लें। समझ आ गया बात? ठीक है बेटा, ये तो रही मेरी नीड, जरूरत पड़ी है तो अपन बनाएंगे। तो गियर ट्रेन बेटा, गियर ट्रेन क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, समझिएगा। मान लो कि बात, ये मेरा ड्राइवर गियर है, ठीक है, ड्राइवर गियर है, इसके साथ एक और गियर अटैच है, उसके साथ एक और गियर अटैच है, और ये मैं इसकी बात करूं तो ये है मेरे पास ड्रिवन गियर, ठीक है, ये इसका एक्सिस है, इसकी एक्सिस की मैं बात करूं तो इसका भी एक्सिस रहेगा, इसका भी एक्सिस रहेगा, इसका भी एक्सिस रहेगा, ठीक है बेटा। इसको मैं बोलता हूं, समझिएगा, इस कॉम्बिनेशन को ही मैं क्या बोल रहा हूं यहां पर, गियर ट्रेन। इस कॉम्बिनेशन को ही मैं क्या बोल रहा हूं, गियर ट्रेन, जिसमें जो ये वाला जो गियर है ना बेटा, इसको मैं क्या बोलता हूं, मेन ड्राइवर, समझिएगा, मेन ड्राइवर बोल रहा हूं इसको, ठीक है, और ये वाले गियर को मैं बोलूंगा मेन ड्रिवन। ऐसा क्यों, समझिएगा इस बात को, ये मेन ड्रिवन क्यों है, ये मेन ड्राइवर क्यों है। देखिए, ये मान लो कि बात मैं बोलूं, ये गियर वन है, ये गियर टू है, ये गियर थ्री है, ये फोर है। गियर वन और टू में बात करूं तो भाई ये तो ड्राइवर है, ड्राइवर है। गियर टू की बात करूं तो अभी इस मैसिंग गियर के लिए गियर टू जो है क्या है बेटा, यहां पर ड्रिवन है, ठीक है। फिर टू और थ्री की मैं बात करूं तो टू और थ्री में ये ड्राइवर बन जाएगा, ये ड्रिवन। थ्री और फोर की बात करूं तो ये ड्राइवर, ये ड्रिवन। लेकिन मैं जो मेन मैं बात करूं तो मेन ड्राइवर कौन है बेटा, आपके पास गियर वन है, और मेन ड्रिवन की मैं बात करूं तो गियर फोर है। एकदम क्लियर है? तो एक चीज तो मुझे मिल रहा है कि भाई गियर ट्रेन में एक तो मेन ड्राइवर होता है, एक मेन ड्रिवन होता है। सही बात है, सही बात है भाई, इतना तो मुझे दिख गया। मैं बात करूं इन दोनों गियरों की तो इसको मैं बोलता हूं इंटरमीडिएट गियर, इंटरमीडिएट गियर। इसको मैं क्या बोलूंगा, इंटरमीडिएट गियर, जो मेन ड्राइवर और मेन ड्रिवन के बीच में हो। क्लियर है? इंटरमीडिएट गियर मैं बोलूंगा। तो मैं क्या बोल सकता हूं, समझिएगा, कि जो गियर ट्रेन है, गियर ट्रेन इज कॉम्बिनेशन ऑफ फर्स्ट मेन ड्राइवर, सेकेंड मेन ड्रिवन, थर्ड इंटरमीडिएट गियर, इंटरमीडिएट गियर। ये तीन चीज का कॉम्बिनेशन होता है। अपन अभी सिंपल सी बात की है ना, मेन ड्राइवर, मेन ड्रिवन, इंटरमीडिएट गियर का कॉम्बिनेशन होता है। ये बोला भी वही है, समझिएगा, ए गियर ट्रेन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ गियर्स टू ट्रांसमिट मोशन फ्रॉम वन शाफ्ट टू अनदर। ये पहला शाफ्ट है, ये सेकंड शाफ्ट है, यहां से यहां मोशन मैं ट्रांसफर कर रहा हूं, ठीक है। और जो गियर ट्रेन में कौन कौन सा कॉम्बिनेशन होता है बेटा, ये कॉम्बिनेशन ऑफ किसका है, मेन ड्राइवर का है, मेन ड्रिवन का है, इंटरमीडिएट गियर का है। क्लियर है? एकदम क्लियर होना चाहिए। आगे बात करते हैं इसमें ना बेटा, गियर ट्रेन की मैं जब बात करता हूं तो कुछ टर्म यूज होता है, उसके बारे में अपन बात कर लेते हैं, कुछ टर्म यूज होता है उसके बारे में अपन बात कर लेते हैं। तो पहला टर्म आपके पास होता है वो क्या है, स्पीड रेशियो। स्पीड रेशियो ये कुछ नहीं है बेटा, समझिएगा इस बात को। मान लो कि बात गियर वन आपके पास ओमेगा वन से रोटेट कर रहा है, गियर फोर की बात करूं जो कि मेन ड्रिवन है वो ओमेगा फोर से रोटेट कर रहा है, गियर वन की बात करूं तो ओमेगा वन से रोटेट कर रहा है, समझिए के बाद। ये जो ओमेगा वन अपॉन ओमेगा फोर है ना बेटा, यही असल में क्या है, स्पीड रेशियो। यही क्या है, स्पीड रेशियो, समझिएगा। और कैसे बोल सकते हैं,
तो इसको ऐसा बोल सकते हैं कि ये किसके किसके बीच का रेशियो है, ये जो मेन ड्राइवर का जो एंगुलर वेलोसिटी है और जो मेन ड्रिवन का जो एंगुलर वेलोसिटी है, इन दोनों के रेशियो को मैं क्या बोलूंगा, स्पीड रेशियो। सिंपल सा, ठीक है, मैं लिख लेता हूं, रेशियो ऑफ एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ड्राइवर एंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ड्रिवन इज नोन एज स्पीड रेशियो। ठीक है, स्पीड रेशियो इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ड्राइवर अपॉन एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ड्रिवन। ये मेरे पास स्पीड रेशियो का फॉर्मूला आ गया, एकदम सिंपल है। ठीक है, यहां पर मैं बात करूं इस वाले अरेंजमेंट में, तो ओमेगा वन मेरे ड्राइवर का एंगुलर वेलोसिटी है, ओमेगा फोर मैं बात करूं तो मेरे ड्रिवन का एंगुलर वेलोसिटी है। तो यहां पर मैं बात करूं तो स्पीड रेशियो इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्पीड रेशियो इज इक्वल टू ओमेगा वन अपॉन ओमेगा फोर। क्लियर है बेटा, ये मेरा स्पीड रेशियो है। ठीक है, यहां तक तो क्लियर है। सेकंड टर्म की मैं बात करूं तो सेकंड टर्म है आपके पास ट्रेन वैल्यू। जस्ट उल्टा है बेटा, जस्ट उल्टा है, समझिएगा। मैं बात करूं यदि ओमेगा फोर अपॉन ओमेगा वन इस पर्टिकुलर अरेंजमेंट के लिए, तो ओमेगा फोर अपॉन ओमेगा वन की मैं बात करूं तो वही जो रेशियो है बेटा वो क्या है, ट्रेन वैल्यू है। और अच्छे से बात करूं तो भाई जो आपके पास मेन ड्रिवन का जो एंगुलर वेलोसिटी है अपॉन मेन ड्राइवर का जो एंगुलर वेलोसिटी है, ये जो रेशियो है ना बेटा, इसी को मैं क्या बोलता हूं, सिंपल सा ट्रेन वैल्यू मैं बोलने वाला हूं। मैं लिख लेता हूं इसको, रेशियो ऑफ एंगुलर वेलोसिटी ऑफ मेन ड्रिवन एंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ मेन ड्राइवर इज नोन एज ट्रेन वैल्यू। मैथमेटिकली मैं बात करूं तो मैं क्या बोल सकता हूं, ट्रेन वैल्यू इज इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ड्रिवन अपॉन एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ड्राइवर। ठीक है, ये मेरे पास ट्रेन वैल्यू का फॉर्मूला आ गया। यहां से मुझे एक चीज दिख रहा है बेटा, मान लो कि बात मैं ट्रेन वैल्यू और स्पीड रेशियो को मल्टीप्लाई कर दूं, दोनों को, ट्रेन वैल्यू और स्पीड रेशियो को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो जाहिर से बात है मुझे मिल जाएगा ट्रेन वैल्यू, मैं क्या काम किया हूं, स्पीड रेशियो, तो मुझे ये मिलने वाला है, ये प्रोडक्ट वन मिलने वाला है। या और अच्छे से बोलूं इसको तो ट्रेन वैल्यू इज इक्वल टू हो जाएगा वन अपॉन स्पीड रेशियो।
ठीक है बेटा, ये मेरा ट्रेन वैल्यू क्या मिल गया, 1/स्पीड रेशियो। बिल्कुल समझ आया होगा आपको। चलो ठीक है, फिर आगे बात करते हैं बेटा। अभी मैंने आपको बताया कि भाई जो गियर ट्रेन होता है ना, कॉम्बिनेशन आप किसका होता है, एक तो मेन ड्राइवर का होगा, सेकेंड मेन ड्रिवन का होगा, और बीच में क्या होता है आपके पास इंटरमीडिएट गियर्स होते हैं। अब ये जो इंटरमीडिएट गियर्स होते हैं ना बेटे, इसके अरेंजमेंट के हिसाब से समझिएगा उसको, मैं कुछ ऐसा अरेंजमेंट कर रहा हूँ कि डिफरेंट डिफरेंट चीजें आए, उसके अरेंजमेंट के हिसाब से मैं गियर ट्रेन को ना यहां पर अभी मैं चार टाइप के बात कर सकता हूं। देखिएगा, टाइप्स ऑफ गियर ट्रेन मैं चार टाइप के बात कर सकता हूं। सबसे पहले आता है आपके पास सिंपल, एकदम सिंपल वाला ना, तो सिंपल गियर ट्रेन इसकी बात करेंगे। सेकेंड में बात करूंगा कंपाउंड गियर ट्रेन की। थर्ड में बात करूंगा रिवेटेड गियर ट्रेन की, और फोर्थ में बात करूंगा इपीसाइक्लिक गियर ट्रेन की। ठीक है बेटा, चार टाइप के अपन बात करेंगे गियर ट्रेन की। सबसे पहले बात करते हैं सिंपल गियर ट्रेन की, समझिएगा एकदम सिंपल है ना, सिंपल गियर ट्रेन सिंपल ही है, समझिए कैसे। मान लो कि पास ये मेरे पास है मेन ड्राइवर, जिसके साथ अटैच है एक गियर मान लो कि बात यहां पर अटैच है, और चौथे गियर की मैं बात करूं जो कि मेन ड्रिवन है वो यहां पर अटैच है। ठीक है, इसको मैंने कह दिया मेन ड्राइवर, और ये है आपके पास मेन ड्रिवन। ठीक है बेटा, मैंने माना कि भाई आपके पास जो ये पहला नंबर का गियर है, ये सेकंड नंबर का गियर है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। इस पे मैंने माना कि भाई इसमें नंबर आप टी थे T1, और साथ ही साथ मैंने ये भी माना कि ये ओमेगा वन से रोटेट हो रहा है। ठीक है, ओमेगा वन से रोटेट हो रहा है, इसको T2, ओमेगा 2, T3, ओमेगा 3, और इसकी मैं बात करूं तो T4, ओमेगा 4। ठीक है, यहां तक तो क्लियर है, सही बात है। आगे बात करते हैं। अब एक बात तो है बेटा, समझिएगा इस बात को कि भाई आपके पास जो चारों गियर है ना, वो एक दूसरे के साथ मैट कर रहा है। ठीक है, मैटिंग में है भाई। 1-2 की बात करूं ये भी मैटिंग है, 2-3 की बात करूं ये भी मैटिंग गियर है, 3-4 की बात करूं तो ये भी मैटिंग गियर है। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि मैंने आपको गियर में बताया था कि जब भी आपके पास दो गियर मैटिंग में हो तो आपके पास उसका जो मॉड्यूल है वो सेम होना चाहिए, सही बात है। मान लो कि बात इसका M1 है, M2 है, M3 है, M4 है, क्या है, मॉड्यूल है, तो भाई आपके पास 1-2 के लिए M1 = M2, M2 = M3, M3 = M4 होना चाहिए, सही बात है। मतलब मैं मॉड्यूल की बात करूं, मॉड्यूल की मैं बात करता हूं तो M1 = M2 = M3 = M4 होना चाहिए। ठीक है बेटा, ये होना चाहिए, सही बात है। आगे बात करते हैं बेटा, इस पे एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं ना, समझिएगा। मैं 1 और 2 को लेता हूं, इस पोजीशन पे 1 और 2 को जब मैं ले रहा हूं तो ये जो 1 है ना बेटा, ये ड्राइवर है, और 2 की बात करूं तो ये फॉलोअर है। ठीक है, 1 और 2 को लेता हूं मैं, सही बात है। आपको पता है कि भाई ω1/ω2 में यदि लिखने की कोशिश करूंगा ω1/ω2, तो ये सिंपल सा क्या हो जाएगा, T2/T1। ये मैं बता चुका हूं। वैसे सिमिलरली मैं 2 और 3 के बीच बात करूं, 2 और 3 के बीच बात करूं तो 2 आपके पास यहां पर ड्राइवर हो जाएगा, 3 क्या हो जाएगा, फॉलोअर हो जाएगा। तो आपके पास ω2/ω3 ये वाला रेशियो निकालने की कोशिश करूं तो ये हो जाएगा T3/T2, सही बात है। सिमिलरली मैं बात करूं किस पे, 3 और 4 पे मैं बात करता हूं,
तो थ्री और फोर पे ओमेगा थ्री अपॉन ओमेगा फोर मैं निकालने की कोशिश करूं तो ये हो जाएगा टी फोर अपॉन टी थ्री। ठीक है बेटा, टी फोर अपॉन टी थ्री ये हो जाएगा। चलो ठीक है यहां तक। अब मैं काम करता हूं ना, सबका ना मैं मल्टीप्लीकेशन कर देता हूं, यहां ये वाले को और ये वाले को, देखते हैं क्या आता है। ओमेगा वन अपॉन ओमेगा टू इंटू ओमेगा टू अपॉन ओमेगा थ्री इंटू ओमेगा थ्री अपॉन ओमेगा फोर इज इक्वल टू टी टू अपॉन टी वन इंटू टी थ्री अपॉन टी टू इंटू टी फोर अपॉन टी थ्री। ठीक है बेटा, ओमेगा टू निपट गया, ओमेगा थ्री निपट गया। मैं बात करूं ओमेगा वन अपॉन ओमेगा फोर की, तो ये मुझे मिल रहा है कुछ इस टाइप का। यहां पर मैं बात करूं टी टू निपट गया, टी थ्री निपट गया, बचेगा क्या टी फोर अपॉन टी वन। मैं सिंपल गियर ट्रेन के लिए बात करूं तो ओमेगा वन अपॉन ओमेगा फोर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा टी फोर अपॉन टी वन। यहां पर हम लोगों ने एक टर्म यूज किया था, कौन सा बेटा, स्पीड रेशियो। स्पीड रेशियो क्या बोलता है कि आपके पास ओमेगा वन अपॉन ओमेगा फोर, और ये क्या मिला है आपको ओमेगा वन अपॉन ओमेगा फोर। मतलब मैं यहां पर बात करूं तो स्पीड रेशियो इक्वल टू क्या हो जाएगा टी फोर अपॉन टी वन। ठीक है बेटा, टी फोर अपॉन टी वन ये हो जाएगा। मजे की बात देखिएगा, जब आप स्पीड रेशियो निकाल रहे हो तो भाई आपके पास जो स्पीड रेशियो है वो इक्वल टू क्या आ रहा है टी फोर अपॉन टी वन, ध्यान दीजिएगा। लेकिन बीच में हम लोगों ने दो यूज किया था गियर, एक तो थ्री और एक टू, इसका टीथ का यूटिलाइज नहीं हुआ है, इसके टीथ का यूटिलाइज नहीं हुआ, डायरेक्ट किसका हुआ है टी फोर अपॉन टी वन। मान लो कि बात आप ना स्पीड रेशियो को कुछ चेंज करना चाहते हो तो भाई आपके पास दो ही पैरामीटर है, एक तो फोर नंबर का जो टीथ है उसको चेंज कर सकते हो, या तो फिर टी वन जो फर्स्ट नंबर का जो गियर है उसके टीथ को आप चेंज कर सकते हो स्पीड रेशियो को चेंज करने के लिए, और ज्यादा पैरामीटर नहीं है, समझ रहे हो ना चीज को, दो ही है, एक टी फोर है एक टी वन है। ये तो रहा स्पीड रेशियो की बात। और एक और बात, जब स्पीड रेशियो में निकाल रहा हूं तो मात्र टी फोर और टी वन यूटिलाइज हो रहा है, ये टू और थ्री नहीं हो रहा है, इसके टीथ का यूटिलाइज नहीं हो रहा है। और एक बात मजे की बात बताऊं बेटा, यही टू और थ्री को मैं क्या बोलता हूं आइडलर गियर, आइडलर गियर, ये आइडलर गियर है। ठीक है, ये आइडलर गियर है भाई। मैं टू और थ्री की मैं यहां पर बात करूं तो भाई टू और थ्री क्या है, गियर टू और थ्री क्या है यहां पर टू और थ्री क्या है बेटा आइडलर गियर है। आगे बात करते हैं, देखिए अब आइडलर गियर है तो थोड़ा इसके बारे में थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं, समझिएगा। मान लो कि बात दो गियर है, ये फर्स्ट गियर है ये सेकेंड वन गियर है, मैं इसकी डायरेक्शन की बात करूं तो मान लो ये क्लॉकवाइज है, तो जाहिर से बात है बेटा कि जो सेकेंड गियर है ना इसका जो डायरेक्शन होगा वो क्या हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। सही बात है, एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। ये फर्स्ट गियर है, ये आपके पास सेकेंड गियर है, मान लो दोनों गियर के बीच में मैं एक आइडलर गियर लगा देता हूं तो क्या प्रभाव पड़ता है किस पे, डायरेक्शन ऑफ जो ड्रिवन गियर है। ठीक है, देखते हैं। मान लो की बात ये फर्स्ट गियर है, ये आइडलर गियर है और ये मेरे पास ड्रिवन गियर है। मैं बात करूं इसके डायरेक्शन की तो भाई ये आपके पास क्या हो जाएगा, मान लो कि ये क्या है क्लॉकवाइज है तो ये एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। सही बात है, अब ये एंटी क्लॉकवाइज है तो ये क्या हो जाएगा क्लॉकवाइज हो जाएगा। मतलब मैं ये बात मानूं कि ये ड्राइवर है और ये क्या है आपके पास ड्रिवन है, तो आपके पास जो ड्रिवन का जो डायरेक्शन है वो सेम किसके हो जाएगा ड्राइवर गियर के इक्वल हो जाएगा। सिंपल सी बात है ना, ऐसे ही और समझिएगा। मान लो कि बात ये ड्राइवर गियर है, मैंने एक आइडलर लगाया सेकंड आइडलर लगाया, अब बात करता हूं ये ड्रिवन गियर के डायरेक्शन की बात करता हूं। मैंने फिर बोला कि ये आपके पास क्या है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, इसका डायरेक्शन क्या होगा एंटी क्लॉकवाइज, इसकी मैं बात करूं क्लॉकवाइज। ठीक है, क्लॉकवाइज इसकी मैं बात करूं ये हो जाएगा आपके पास एंटी क्लॉकवाइज। समझिएगा बेटा ना, जब मैंने एक गियर लगाया था एक आइडलर लगाया था तो भाई ड्रिवन का जो मेरा डायरेक्शन मिला था वो सेम था किसके ड्राइवर गियर के। जब मैंने दो आइडलर लगाया तो भाई आपके पास क्या मिल गया यहां पर अपोजिट डायरेक्शन पे मिल गया ड्रिवन गियर का डायरेक्शन। सिंपल सी बात,
यहां से मैं कंक्लूजन निकाल सकता हूं, समझिएगा, मैं बात करता हूं नंबर ऑफ आइडलर की, इसको मैं मिटा लेता हूं पहले, समझिएगा नंबर ऑफ आइडलर, यदि ये आपके पास इवन है, इवन है, तो जो ड्रिवन गियर का जो डायरेक्शन होगा ना बेटा वो अपोजिट मिलेगा, किसके अपेक्षाकृत, बात करें ड्राइवर के, अपोजिट मिलेगा। और ये आइडलर की मैं बात करूं, यदि ये क्या है ऑड है, तो आपके पास जो ड्रिवन गियर का जो डायरेक्शन मिलेगा वो सेम मिलेगा, क्लियर है बेटा, सेम मिलेगा, सिंपल सी बात। मतलब मैं बात करूं यदि आपके पास आइडलर दो है, तो दो है तो क्या मिलेगा, अपोजिट डायरेक्शन पे मिलेगा, यदि तीन है तो सेम डायरेक्शन पे, यहां तक तो क्लियर है, ठीक है बेटा। अब बात कर लेते हैं सेकंड, कौन सा भाई, कंपाउंड गियर की बात करते हैं, कंपाउंड गियर ट्रेन की अपन बात करते हैं। इसमें क्या होता है समझिएगा ना, ये क्या होता है, व्हेन अ सीरीज ऑफ गियर्स आर कनेक्टेड इन सच अ वे दैट टू और मोर गियर्स रोटेट अबाउट एक्सिस विद द सेम एंगुलर वेलोसिटी, इट इज नोन एज कंपाउंड गियर। थोड़ा मैं इसको ना 3D में बनाने की कोशिश करता हूं ताकि आपको समझ आए। मान लो कि बात, ये मेरा पहला गियर है, ठीक है, ये पहला गियर, इसके साथ कनेक्ट है मेरा सेकेंड गियर, ठीक है, ये इसका एक्सिस है और इसका एक्सिस ये है, इसी एक्सिस पे एक और गियर है, समझिएगा, और इसके साथ कनेक्ट है एक और गियर, ठीक है, ये कनेक्टेड है एक और गियर, इसका एक्सिस की मैं बात करूं तो ये इसका एक्सिस है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, पहले वाले कंडीशन में क्या हो रहा था कि भाई आपके पास ये गियर है फर्स्ट जो कि ड्राइवर है, सेकंड आइडलर है, इसके साथ एक और कनेक्ट था, उसके साथ एक और कनेक्ट था, सिंपल सी बात, ऐसा कनेक्ट था। अब मैं इसमें मैं बात करूं तो भाई आपके पास ये पहला गियर है जो कि ड्राइवर है, जिसके साथ कनेक्ट है कौन सा, ये सेकंड गियर, और इसकी एक्सिस की बात करूं, ये शाफ्ट की बात करूं, तो इसी शाफ्ट पे एक और गियर आपके पास माउंट है जिसके साथ कनेक्ट है अपने पास चौथा गियर, समझ आ रहा है। कंपाउंड गियर ट्रेन में थोड़ा सा डिफरेंस समझ आ रहा है, सिंपल गियर के अपेक्षाकृत, सिंपल गियर ट्रेन के अपेक्षाकृत में बात करता हूं तो इसमें क्या होता है बेटा कि एक ही शाफ्ट में दो गियर्स हैं, एक ही शाफ्ट में दो गियर्स हैं, लेकिन उसमें ऐसा नहीं था। सिंपल गियर ट्रेन में क्या था कि एक शाफ्ट में केवल और केवल एक गियर था जिसके साथ आपस में मैच किए जा रहे थे, ठीक है बेटा, लास्ट तक अपन किए जा रहे थे। लेकिन इसमें मैं बात करूं, मान लो कि बात, ये गियर वन है, ये गियर टू है, और ये गियर थ्री है, और ये गियर फोर है, तो मैं यहां पर बात करूं तो गियर टू और थ्री एक ही शाफ्ट में है, लेकिन गियर फोर अलग शाफ्ट में है, गियर वन अलग शाफ्ट में है, क्लियर है, कंपाउंड गियर ट्रेन क्लियर है, समझिएगा बात को। अब इसमें मैं थोड़ा सा एनालिसिस करना चाहता हूं कि बेटा हुआ क्या है, देखिएगा पहले वाले गियर ट्रेन में क्या है, पहले वाले गियर ट्रेन में जब मैं यहां पर बात कर रहा था तो भाई आपके पास सभी गियर आपस में मेसिंग में थे, मतलब 1, 2, 3, 4 की बात करूं, इसलिए मैंने बोला था कि भाई इसके जो मॉड्यूल है वो सेम होने चाहिए, M1 equal to M2 equal to M3 equal to M4, लेकिन यहां पर ये जरूरी नहीं है, समझिएगा, यहां पर ये जरूरी नहीं है कि 1, 2, 3, 4 चारों गियर के आपके पास जो मॉड्यूल है वो सेम हो जाए, जरूरी नहीं है, ये हो जाए अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एकदम जरूरी नहीं है। लेकिन एक और बात बेटा ध्यान दीजिएगा, 1 और 2 मेसिंग गियर है,
ठीक है, वन और टू मिसिंग गियर है, तो जाहिर से बात है वन और टू की मैं मॉड्यूल की बात करूं, मान लो इसका मॉड्यूल M1 है और इसका मॉड्यूल M2 है, और मैं बात करूं इसका मॉड्यूल M3 है और इसका मॉड्यूल M4 है, तो जब ये मिसिंग गियर है तो जाहिर से बात है बेटा कि आपके पास जो M1 है वो इक्वल टू M2 होना चाहिए। एक बात तो मुझे पता चल गया, ठीक है। वैसे बात करता हूं थ्री और फोर पे, थ्री और फोर पे तो M3 इक्वल टू M4 होना चाहिए, M3 इक्वल टू M4 होना चाहिए, लेकिन ये जरूरी नहीं है बेटा कि आपके पास जो M2 इक्वल टू M3 हो, ठीक है, M3 इक्वल टू M2 हो ये जरूरी नहीं है। क्लियर है बेटा, आगे बात करते हैं ना। अब समझिएगा, ये जो दो ये गियर है ना थ्री और फोर, क्योंकि ये एक ही शाफ्ट में है, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि भाई मान लो कि बात इसका एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा टू है और इसका एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा थ्री है, तो ओमेगा टू इक्वल टू ओमेगा थ्री, भाई क्योंकि वो एक ही शाफ्ट में है ना, एक ही शाफ्ट में है और एक ही शाफ्ट में वो रोटेट कर रहे हैं, तो ओमेगा टू इज इक्वल टू ओमेगा थ्री हो जाएगा, बिल्कुल होगा बेटा। मैं बात करता हूं गियर टू एंड थ्री की बात करता हूं, तो गियर टू और थ्री की जब मैं बात करूंगा तो ओमेगा टू इक्वल टू ओमेगा थ्री होगा, क्यों, क्योंकि ये एक ही शाफ्ट में है, एक ही शाफ्ट में। और मजे की बात क्या बताऊं बेटा, इसी गियर्स को मैं क्या बोलता हूं, कंपाउंड गियर, कंपाउंड गियर, यही गियर्स कहा भाई आपके पास है, कंपाउंड गियर्स है। क्लियर है बेटा, चलो फिर थोड़ा सा और एनालिसिस करने की इसमें कोशिश करते हैं। मैं गियर वन और टू को देखता हूं, गियर वन और टू को देखता हूं, मैं निकालना चाहता हूं रेशियो ओमेगा वन अपॉन ओमेगा टू इज इक्वल टू क्या होने वाला है, सबको पता है टी टू अपॉन टी वन लिखने वाला हूं, टी टू अपॉन टी वन लिखने वाला हूं। अब वो वाला काम नहीं करूंगा बेटा कि टू और थ्री को ले जाऊंगा, क्योंकि देखना यहां पर टू और थ्री एक ही शाफ्ट में है, और मजे की बात ये वजह देखना ध्यान देना कि आपके पास जो थ्री है ना ये आपके पास ड्राइवर है और फोर क्या है ड्रिवन है, सही बात है, थ्री ड्राइवर है फोर ड्रिवन है, तो मैं सीधा जाऊंगा किसमें, थ्री और फोर पे, थ्री और फोर पे आ जाऊंगा, और थ्री और फोर की जब मैं बात करता हूं तो ओमेगा थ्री अपॉन ओमेगा फोर निकालने की कोशिश करता हूं तो मेरा आता है टी फोर अपॉन टी थ्री, सही बात है, टी फोर अपॉन टी थ्री। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब मैं एक काम करता हूं बेटा, ध्यान दीजिएगा यहां पर ये जो मुझे मिला है ना ओमेगा वन अपॉन ओमेगा टू इक्वल टू टी टू अपॉन टी वन, ओमेगा थ्री अपॉन ओमेगा फोर इक्वल टू टी फोर अपॉन टी थ्री, ये दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो मल्टीप्लाई करने के बाद मुझे क्या मिलता है यहां पर देखिएगा, ओमेगा वन अपॉन ओमेगा टू इंटू ओमेगा थ्री अपॉन ओमेगा फोर इज इक्वल टू क्या मिला है मुझे, टी टू अपॉन टी वन इंटू टी फोर अपॉन टी थ्री, ये मुझे मिलने वाला है, सही बात है। आगे बात करते हैं, अब मुझे पता है कि भाई टू और जो थ्री है वो कंपाउंड गियर्स है और एक ही शाफ्ट में है, मतलब जाहिर से बात है बेटा कि आपके पास जो ओमेगा टू है ना वो इक्वल टू किसके है, ओमेगा थ्री के, यहां से मुझे मिल जाएगा ओमेगा टू और ओमेगा थ्री कट जाएगा और बचेगा क्या, ओमेगा वन अपॉन ओमेगा फोर इज इक्वल टू टी टू अपॉन टी वन इंटू टी फोर अपॉन टी थ्री, ये मुझे मिल गया ओमेगा वन अपॉन ओमेगा फोर का रेशियो, ये मुझे मिल गया ओमेगा वन अपॉन ओमेगा फोर, और ओमेगा वन अपॉन ओमेगा फोर को ही तो मैं क्या बोलता हूं, स्पीड रेशियो, तो स्पीड रेशियो इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्पीड रेशियो इक्वल टू टी टू इंटू टी फोर अपॉन टी वन इंटू टी थ्री। क्लियर है बेटा, ये मेरा मिल गया स्पीड रेशियो। थोड़ा सा गौर कीजिएगा इस फॉर्मूला को, इसके पहले वाले की मैं बात करूं, कंपाउंड गियर ट्रेन के पहले वाले की मैं बात करूं, जब सिंपल गियर ट्रेन अपन पढ़ा रहे थे तो मुझे स्पीड रेशियो क्या मिला था, टी फोर अपॉन टी वन, जिसमें मैंने दो ही पैरामीटर को चेंज करके मैं स्पीड रेशियो को मैं चेंज कर सकता था, लेकिन यहां पर देखिएगा टी टू इंटू टी फोर अपॉन टी वन इंटू टी थ्री, चारों गियर के टीथ यूज हो गए, ठीक है, चारों गियर के टीथ यूज हो गए, मतलब पैरामीटर ज्यादा हो गए जिससे कि मैं चेंज करके स्पीड रेशियो को चेंज कर सकूं।
क्लियर है बेटा? इसमें मैं बात करूं तो इसमें आइडलर गियर की बात करता हूं तो इसके टीथ यूज नहीं हुए थे, लेकिन मैं इसकी बात करूं कंपाउंड गियर की, कंपाउंड गियर की मैं बात करूं तो इसमें वन के भी यूज हुए हैं, टू के भी यूज हुए हैं, थ्री के भी यूज हुए हैं, साथ ही साथ फोर के भी यूज हुए हैं, इसलिए कंपाउंड गियर है, समझिएगा। और कंपेयर में बताऊं बेटा कि जो सिंपल गियर ट्रेन है ना उसके कंपेयर में कंपाउंड गियर ट्रेन की बात बताऊं तो ये ज्यादा अच्छा है, ज्यादा अच्छा है, क्योंकि इसमें पैरामीटर ज्यादा है ना, समझिएगा, पैरामीटर ज्यादा है स्पीड रेशियो को चेंज करने के लिए। T4, T1 हम लोग क्या चाहते हैं कि इतना ज्यादा पैरामीटर हो जाए कि भाई आसानी से मैं किसी चीज को मैं चेंज करके मैं दूसरे चीज को चेंज कर सकूं, ठीक है बेटा। तो ये रहा आपके पास कंपाउंड गियर ट्रेन का स्पीड रेशियो, ठीक है, आगे पढ़ते हैं हम। चलिए बेटा अब ना कंपाउंड गियर ट्रेन से रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन है, एक कंपाउंड गियर ट्रेन कंसिस्ट ऑफ फोर गियर्स, चलो चार गियर है, द नंबर ऑफ टीथ ऑन गियर्स ए बी सी एंड डी आर, कुछ कुछ दिया है, ये नंबर ऑफ टीथ है। गियर्स बी एंड सी कंस्टिट्यूट ए कंपाउंड गियर, मतलब बी और सी आपके पास कंपाउंड गियर है। डिटरमाइन द टॉर्क ऑन द आउटपुट शाफ्ट इफ द गियर ए ट्रांसमिट 9 किलोवाट एट 200 आरपीएम, ठीक है बेटा। यदि ए जो गियर है वो कितना 9 किलोवाट पावर ट्रांसमिट करता है एट 200 आरपीएम पर, तो भाई आपके पास जो आउटपुट शाफ्ट है उस पर टॉर्क कितना होगा ये अपने को डिटरमाइन करना है। एंड द ट्रेन एफिशिएंसी इज 80%, मतलब जब ट्रेन एफिशिएंसी 80% हो तब। ऑल्सो डिटरमाइन सेंटर डिस्टेंस बिटवीन ए एंड डी इफ मॉड्यूल ऑफ सी इज इक्वल टू मॉड्यूल ऑफ डी इज इक्वल टू 3 mm एंड मॉड्यूल ऑफ ए इज इक्वल टू मॉड्यूल ऑफ बी इज इक्वल टू 4 mm, ये आपको दिया है क्वेश्चन। तो सबसे पहले अपन एक काम करते हैं कि गिवन डाटा लिख लेते हैं कि अपने को दिया क्या क्या है, गिवन क्या है वो देख लेते हैं। टी ए आपको दिया है कितना है भाई 54, टी बी भी दिया है, टी सी भी दिया है और साथ ही साथ टी डी भी दिया है। तो टी बी की मैं बात करूं तो 75, टी सी की बात करूं 36 और टी डी की बात करूं तो 81, ये आपको गिवन है। साथ ही साथ क्या दिया गया है, हाँ पावर दिया गया है, पावर कितना है, पावर की मैं बात करूं इसको मैं पी से प्रदर्शित कर रहा हूं, पी इज इक्वल टू है 9 किलोवाट। आरपीएम दिया है किसका, ए का, एन ए, एन ए इज इक्वल टू दिया है आपके पास 200 आरपीएम, ये आपको गिवन है। और क्या दिया भाई, ट्रेन एफिशिएंसी दिया है, ट्रेन एफिशिएंसी दिया है वो कितना है इज इक्वल टू 80%, ठीक है यहां तक दिया है। और क्या दिया है, एम ए, एम ए इक्वल टू एम बी इज इक्वल टू 4 mm, एम सी इज इक्वल टू एम डी इज इक्वल टू 3 mm, ये आपको दिया गया है। फाइंड आउट क्या करना है, एक तो सबसे पहले आपको क्या निकालना है, टॉर्क निकालना है, ठीक है बेटा। टॉर्क निकालना, मैं टाउ से प्रदर्शित कर रहा हूं, टाउ आउटपुट ये निकालना है इज इक्वल टू व्हाट। और क्या निकालना है, सेंटर डिस्टेंस, मैं ए से प्रदर्शित कर रहा हूं तो ए इज इक्वल टू क्या होगा वो निकालना है आपको। चलो अब बात करते हैं आगे, सबसे पहले डायग्राम बना लेते हैं, कंपाउंड गियर ट्रेन का डायग्राम बना लेते हैं। मैं यहां पर फ्रंट व्यू बनाऊंगा, ध्यान दीजिएगा मैं 3D बनाते नहीं रहूंगा, फ्रंट व्यू बना रहा हूं भाई, फ्रंट व्यू देखते हैं। ये ए गियर है, ठीक है बेटा, ये ए गियर है, ये बी गियर है, ये सी गियर है और ये है आपके पास डी गियर। ए गियर, ये वाला आपके पास बी गियर है, ये सी गियर है और ये डी गियर है, यही बात हुई थी, ठीक है। आगे बात करते हैं, अब ए की बात करूं तो टी ए इक्वल टू कितना है 54 है, यहां पर बी की बात करता हूं तो 75 है, सी की बात करता हूं तो 36 है और डी की बात करता हूं तो 81 है, यहां तक भी ठीक है। चलिए अब आगे बात करते हैं ना, कंपाउंड गियर ट्रेन पे आपके पास जो स्पीड रेशियो होता है वो क्या होता है उसकी बात कर लेते हैं। तो ओमेगा ए अपॉन ओमेगा डी की मैं बात करूं तो सिंपल हो जाएगा ये, टी बी अपॉन टी ए इंटू
टी डी अपॉन टी सी, ठीक है बेटा। चलिए आगे बात करते हैं, टी बी कितना है 75 अपॉन टी ए कितना है 54 इंटू टी डी कितना है बेटा 81 अपॉन टी सी कितना है 36। ये 3 से कटेगा, इसको मैं कैलसी से ही कैलकुलेट कर लेता हूं, 75 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 4, ये मेरा आ रहा है करीब करीब 3.125। मतलब ओमेगा एम ओमेगा ए अपॉन ओमेगा डी का जो रेशियो है बेटा वो कितना आया 3.125। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अपने को फाइंड आउट करना है यहां पर टॉर्क फाइंड आउट करना है ना, मतलब ये जो 4D बोल रहा हूं ना डी वाला गियर, यहां पर मुझे टॉर्क फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए जरूरी ये होगा कि भाई आपको ओमेगा डी फाइंड आउट करना पड़ेगा। ओमेगा डी की मैं बात करता हूं तो ओमेगा डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओमेगा ए अपॉन 3.125, या और अच्छे टर्म में मैं बात करूं तो एन डी इक्वल टू क्या हो जाएगा एन ए अपॉन 3.125। सही बात है, एन ए की मैं बात करूं तो एन ए आपको गिवन है 200 RPM, रख लो यहां पर 200 डिवाइडेड बाई 3.125, यहां से कितना आ रहा है 64 RPM ये आ रहा है क्या एनडी, ठीक है बेटा एनडी मेरा मिल गया। अब बात करते हैं, देखना टॉर्क निकालना है और आपको पावर दिया है, पावर गिवन है, तो आपको एक फॉर्मूला पता होगा कि भाई पावर इक्वल टू क्या होता है, पी इज इक्वल टू 2π n t अपॉन 60। यहां पर मैं टॉर्क को टाउ से शो कर रहा हूं तो इसको मैं टाउ लिख लेता हूं, यहां से मेरा क्या हो जाएगा टाउ इज इक्वल टू 60 × p / 2π n। सही बात है, सही बात है, और मैं डी गियर पर निकालना चाह रहा हूं इसलिए यहां पर एनडी हो जाएगा, रख देता हूं सब चीजें 60 × और मैं यहां पर पी डी की बात करूं ना तो डी पी डी हो जाएगा ये भी, तो पी डी अपॉन 2π n d। ध्यान दीजिएगा बेटा ना, टॉर्क निकालना चाह रहा हूं मुझे एनडी तो पता चल गया, एनडी कितना है 64 RPM, लेकिन पीडी मुझे नहीं पता, पीडी मुझे नहीं पता, मुझे किसका पीडी पता भाई, आपके पास पावर कहां का पता है, यहां पर देखिए द गियर ए ट्रांसमिट्स 9 kW, लेकिन डी गियर पर कितना पावर है अभी मुझे नहीं पता, लेकिन उसके लिए मुझे एक चीज दिया, ध्यान दीजिएगा ट्रेन एफिशिएंसी, और ट्रेन एफिशिएंसी की मैं बात करूं, देखिएगा ट्रेन एफिशिएंसी की मैं बात करूं तो ये हो जाएगा आपके पास बेटा पी आउटपुट अपॉन पी इनपुट। ट्रेन एफिशिएंसी कितना दिया है 80%, मतलब 0.8 इज इक्वल टू पी आउटपुट आपको फाइंड आउट करना है डिवाइडेड बाय पी इनपुट, पता है कितना 9 kW, यहां से पी आउटपुट आ जाएगा 9 × 0.8 7.2 kW, ठीक है, या फिर मैं इसी को बात करूं पी डी कैपिटल डी 7.2 kW, क्लियर है बेटा, या फिर 7200 W, ये मुझे मिल गया पीडी। अब यहां पर आराम से रख लेंगे 60 × 7200 / 2π (ND) कितना है 64, यहां से मुझे मिल जाएगा टाउ, देख लेते हैं कितना आ रहा है डिवाइडेड बाई 2 × ये मुझे मिल रहा है 1074.29 Nm, ठीक है न्यूटन मीटर, या फिर 1.074 kN, ये मुझे मिल जाएगा टाउ, मतलब टॉर्क, ठीक है भाई, ये तो पहला पार्ट हुआ। सेकेंड पार्ट की मैं बात करता हूं,
सेकेंड पार्ट में आपको पूछा क्या गया है भाई, आपको पूछा गया है सेंटर डिस्टेंस बिटवीन ए एंड डी, ए एंड डी, ये ए है बेटा, ये डी है, इन दोनों के बीच का सेंटर डिस्टेंस आपको पूछा गया है। ध्यान दीजिएगा, मान लो कि बात इसके रेडियस की मैं बात करूं तो ये कैपिटल आर ए है, ठीक है बेटा, इसके रेडियस की मैं बात करूं तो ये कितना है बेटा, ये कैपिटल आर बी है, बी के रेडियस की मैं बात करूं, सॉरी सी के रेडियस की मैं बात करूं तो ये कैपिटल आर सी है, और साथ ही साथ डी के रेडियस की मैं बात करूं तो ये कैपिटल आर डी है। क्लियर है? मैं यदि आर ए प्लस आर बी प्लस आर सी प्लस आर डी करूंगा तो जाहिर से बात है, मान लो ये सेंटर डिस्टेंस ए है तो ये सेंटर डिस्टेंस मेरा फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं वैसी, तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर ए प्लस आर बी प्लस आर सी प्लस आर डी, यहां तक क्लियर है। अब बात करते हैं, मुझे एक चीज और पता होता है कि m इक्वल टू क्या होता है, कैपिटल d अपॉन कैपिटल t, या फिर मैं बात करूं 2r अपॉन कैपिटल t, सेम ही बात है, या फिर इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं r इक्वल टू क्या हो जाएगा mt अपॉन 2, ठीक है, mt अपॉन 2 रख दो यहां पर, r a इक्वल टू क्या हो जाएगा ma t a अपॉन 2 प्लस r b इक्वल टू क्या हो जाएगा mb टी बी अपॉन 2 प्लस एम सी टी सी अपॉन 2 प्लस एम डी टी डी अपॉन 2। सबके वैल्यू पता है बेटा, एम ए एम बी टी ए टी बी एम सी टी सी एम डी टी डी सबके वैल्यू पता है, बस वैल्यू पुट कर दो निकल जाएगा। तो सेंटर डिस्टेंस ए इक्वल टू क्या जाएगा, एम ए कितना है बेटा, एम ए MA है आपके पास 4 mm, तो 4 इंटू TA कितना है, TA है 54 डिवाइडेड बाई 2 प्लस B कितना है भाई, MB ये 4 है इंटू TB 75 डिवाइडेड बाई 2 प्लस MC कितना है 3 है इंटू TC कितना है बेटा 36 डिवाइडेड बाई 2 प्लस MD 3 इंटू TD 81 डिवाइडेड बाई 2। कैलकुलेट कर लेते हैं इसको, निकल जाएगा अपना, फोर इंटू 75 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3.5 mm सेंटर डिस्टेंस। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन समझ आया, समझिएगा इस बात को, कैसे प्रोसेस किए हैं उसमें आप समझिएगा थोड़ा सा बात को। सबसे पहले ये देखिएगा कि आपको क्या क्या दिया गया है, आपने लिख लिया, सही बात है, ट्रेन एफिशिएंसी की बात करें, एम ए एम बी की बात करें, ये लिख लिया। फाइंड आउट क्या करना है, एक तो टॉर्क फाइंड आउट करना है, किस पे, डी गियर पे ना, डी गियर पे टॉर्क फाइंड आउट करना है, लेकिन डी गियर पर पावर नहीं दिया है, पावर किस पे दिया है, ए गियर पर। ठीक है, टॉर्क फाइंड आउट करने के लिए मुझे तुरंत माइंड में आना चाहिए कि फॉर्मूला क्या है इसका, टॉर्क के लिए फॉर्मूला क्या है, पी के टर्म पे, पी मतलब पावर के टर्म पे, तो मुझे फॉर्मूला याद आता है, पी इज इक्वल टू क्या होता है, 2π NT/60। डी के लिए टी डी है, ठीक है, एन के लिए एनडी रहना चाहिए, क्योंकि डी गियर पर अपन बात कर रहे हैं ना, आउटपुट की बात कर रहे हैं, एनडी रहना चाहिए, तो सबसे पहले आपको एनडी फाइंड आउट करना पड़ेगा, साथ ही साथ आउटपुट शाफ्ट या फिर डी गियर पर कितना पावर है वो भी आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा, दिमाग क्लिक करना चाहिए तुरंत। तो इसके लिए एक काम करते हैं, एनडी तो फाइंड आउट कर लूंगा कैसे भाई, सिंपल सी बात है, मैं बात करूं यहां पर, ध्यान दीजिएगा, ओमेगा ए अपॉन ओमेगा डी, जिसको मैं स्पीड रेशियो की बात करता हूं, वो इज इक्वल टू होता है टीबी अपॉन टीए इंटू टीडी अपॉन टीसी। ये पता है, ये पता है, ये पता है, ये पता है, तो क्या यहां से आप ओमेगा डी नहीं निकाल पाओगे, ओमेगा डी, ठीक है, ओमेगा डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओमेगा ए अपॉन 3.125 आ गया। इसको और अच्छे टर्म में मैंने लिख लिया एनडी, ठीक है, ओमेगा इक्वल टू क्या होगा 2π N/60, 2π/60 तो कट जाएगा दोनों तरफ से, बचेगा क्या एन, तो एनडी इज इक्वल टू हो गया एन ए अपॉन 3.125। एन ए मुझे पता है, एन ए मुझे पता है, NA 200 RPM रख दिया मैंने, 64 RPM पता चल गया, मतलब ये ND पता चल गया,
एनडी पता चल गया, बचा क्या? पीडी, कैपिटल पीडी बता है, बचा है। इसके लिए मुझे क्या दिया है भाई, आप देखिएगा ट्रेन एफिशिएंसी दिया है 80%। मैंने एक काम किया कि ट्रेन एफिशिएंसी इक्वल टू मैंने रख लिया यहां पर पी आउटपुट अपॉन पी इन, यहां से मुझे मिल गया पी आउटपुट, या फिर मैं और अच्छे से बोलूं तो भाई पीडी कि जो डी गियर पर है उसमें पावर कितना है, तो वो है कितना 7200 वाट। ये मुझे पीडी भी पता चल गया, मैंने यहां पर रख लिया, मुझे मिल गया टाउ। टाउ कितना मिला? 1.074 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, यहां तक मिल गया। बात करते हैं सेंटर डिस्टेंस की। तो मैंने सेंटर डिस्टेंस देखा, ए और डी के बीच मुझे सेंटर डिस्टेंस निकालना है, तो मैंने देखा कि भाई आर ए प्लस आर बी, आर बी प्लस आर सी प्लस आर डी करूंगा, तो जाहिर से बात है बेटा मेरा सेंटर डिस्टेंस निकल जाएगा। मैंने रख दिया, फिर मुझे पता चला कि भाई मॉड्यूल इक्वल टू कुछ होता है, यहां से मैंने आर इक्वल टू एम टी अपॉन टू निकाल लिया। एम टी अपॉन टू जैसे निकाला तो सबके लिए मैंने एम टी अपॉन टू रख दिया। सब पता है, अब एम ए पता है, टी ए पता है, एम बी पता है, टी बी पता है, एम सी, टी सी, एम डी, टी डी, सब पता है। मैंने सब में रख दिया, फॉर्मूला में वैल्यू रख दिया और मेरा निकल गया क्या, सेंटर डिस्टेंस ए और डी के बीच। क्लियर है बेटा? तो मुझे लगता है ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। तो बेटा आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। कल की क्लास में अपन देखने वाले हैं रिवेटेड गियर ट्रेन, साथ ही साथ एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन की बात करने वाले हैं और कुछ न्यूमेरिकल भी देखने वाले हैं। कल की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है? तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू।